थीमेटिक, मैं हूँ आपकी दोस्त हेमा। और मैं हूँ आपकी दोस्त सदफ। जी हाँ, मैं भी आपकी दोस्त हूँ। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं एंग्री प्रैश की वीडियो, जिसमें है कौन बनेगा एक करोड़पति। वाओ, मतलब टाइटल तो अच्छा है और करोड़पति किसको देखना पसंद नहीं होता है, तो देखते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं। और हम चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका एक अद्भुत और सुअर की नुनिय सॉरी एक अद्भुत और अविस्मरणीय खेल, जिसका नाम है क्या बनेगा रे करोड़पति। और आज हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है पुणे से आए एक छात्र श्री परशुराम पांडे। स्वागत है आपका परशुराम जी। नमस्कार। तो परशुराम जी, जी खेल शुरू करने से पहले हमने आपके लाइफ पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, वो दिखाना चाहेंगे। जी जरूर। परशुराम पांडे पुणे में भिकारवंती नामक एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का। अरे गांव में नहीं, शहर में रहता हूँ मैं। शांत परशुराम जी शांत। एक छोटे से गांव का एक गरीब लड़का, जिसके पिताजी की दोनों टांगे टूट चुकी है और माँ अंधी है। अबे पापा रनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, माँ पीछे बैठी है, चश्मा भी नहीं लगा अभी तक, क्या है क्या ये? कंप्यूटर जी इनकी बातें काट दीजिए। परशुराम इतना गरीब है, एक झोपड़े में रहता है अपनी अंधी माँ और लंगड़े बाप के साथ। पत्नी मर चुकी है और पीछे सात नंगे बच्चे छोड़ गई है। अबे यहाँ शादी नहीं हो रही मेरी, बच्चे कहाँ से पैदा किए बे? बंद करो ये चुतियापा। परशुराम जी शांत शांत बैठिए। देखिए चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ता है, नहीं तो आप करोड़ों कमा के जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? घंटा हाय। हाँ तो टीआरपी के लिए मेरी माँ को अंधा, बाप को लंगड़ा और मुझे रनवा कर दोगे? कंप्यूटर जी ये सारी बातें काट दीजिए। परशुराम जी चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं क्या बनेगा रे करोड़पति। तो परशुराम जी पहला सवाल 1000 रुपयों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से अमेरिका का राष्ट्रगीत कौन सा है? Which of these is the national anthem of USA? ऑप्शन ए डेस्पासीटो, ऑप्शन बी द स्टार स्पैंगल्ड बैनर, ऑप्शन सी रिंकिया के पापा और ऑप्शन डी अरे रे रे मेरी जान है राधा। सर ए तो मुझे पता है स्पेन का नेशनल एंथम है, बी मुझे पता नहीं क्या है, सी और डी मैंने कहीं सुना तो है शायद, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर आपको सही उत्तर मालूम नहीं तो आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। हाय सर मैं एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूंगा। कंप्यूटर जी परशुराम जी एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे, इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है श्री नागेश नंगे उर्फ नागू। तो नागू जी बोल। परशुराम जी आपसे इस प्रश्न पर हेल्प लेना चाहेंगे। देख परशु, लाइफ में कोई किसी को फोकट में एडवाइस नहीं देता, तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाता हूँ, मतलब है? मतलब कि तू अपुन के सवाल का जवाब दे, अपुन तेरे सवाल का जवाब देगा। हाँ पूछ। इनमें से किनको महात्मा कहा जाता था, गोपाल गांधी, हरिलाल गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी? सिंपल है, मोहनदास करमचंद गांधी। चलो आज रात मेरा डिनर का बंदोबस्त हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं नागू जी? लोगों पे क्विज खेल रहा हूँ, इसके हॉट सीट पे अमीर गरीब कोई भी बैठ सकता है, आप लोगों की तरह भेदभाव नहीं होता। अच्छा तो हम भी डाउनलोड करके ट्राई करेंगे। फिलहाल तो आप परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देख राधा तो मेरी अपनी पर्सनल जान है, तो वो मेरा अपना पर्सनल नेशनल एंथम हुआ। जहाँ तक मैंने सुना है रिंकिया के पापा बिहार का नेशनल एंथम है। मैंने एक बार अमेरिका का कच्चा खरीदा था तो उस पे कुछ स्टार्स बने थे, तो शायद द स्टार स्पैंगल्ड बैनर बी सही उत्तर हो सकता है। ओके तो बी को लॉक कर दो। आप एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। कंप्यूटर जी बी पे ताला लगा दिया जाए। अद्भुत, पूरे 1000 रुपए जीत चुके हैं आप। बहुत ही सूझबूझ के साथ आंसर दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट ने, उनके लिए गालियां सॉरी तालियां हो जाए। थैंक यू। तो परशुराम जी, जी हमने सुना है कि आप यहाँ आने से पहले एक बहुत ही निचले दर्जे का काम करते थे, जिसका नाम लेने से भी आपको शर्म आती है। जी जी क्या करते थे आप, आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। जी आप क्या बताओ, हम पिछले 4 साल से इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अरे रे बहुत बुरा हुआ। 40-40 पेजेस के असाइनमेंट लिखता था, 5-5 पेजेस के न्यूमेरिकल रट्टा मार के जाना पड़ता था, बगल में डीओ लगा के जाता था लेकिन क्लास में एक भी लड़की नहीं थी। बहुत बहुत बुरा हुआ आपके साथ परशुराम जी। मैं आशा करता हूँ कि आज आप यहाँ से जितनी भी धनराशि जीत के जाए, बाहर जाके आप कम से कम एक पान की दुकान शुरू कर दे, ताकि आपको फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी ना पड़े।
और जो भी दर्शक हमें इस वक्त टेलीविजन पे देख रहे हैं, अगर आपको रास्ते पर कहीं भी कोई मैकेनिकल इंजीनियर दिख जाए, उसे दो जोड़ी कपड़ा और एक जादू की झप्पी दीजिए, क्योंकि उन मासूमों को आपकी सख्त जरूरत है। शायद आपकी एक झप्पी उसको थोड़ी सी खुशी दे दे। हाय, तो चलिए गेम को आगे। अरे परशुराम जी, चूतिया कट, सॉरी हुटर बज गया। कोई नहीं, हम ये गेम कल फिर से खेलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो देवी और सज्जनों, अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, और घर बैठे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ लोगों खेलो। आप लोगों को किसी भी भाषा में खेल सकते हो। डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज, आई होप कि आपको मजा आया और अच्छा वीडियो था। करोड़पति कौन बनेगा रे, करोड़पति। सच में बहुत फनी बनाया यार इन लोगों ने। हमेशा आपने अमिताभ बच्चन को देखा है कौन बनेगा करोड़पति में, और ये नया वीडियो कौन बनेगा रे करोड़पति कुछ अलग था, हटकर था, अमेजिंग था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। सो प्लीज आपको भी थोड़ा सा काम करना है, मैं वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना है वीडियोस को। और हाँ, बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसे दबाने से हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो प्लीज हमारे वीडियो को प्यार दीजिए और देखते रहिए हमारे रिएक्शंस, और हमारे रिएक्शंस की भी रिप्लाई कीजिए प्लीज कमेंट में। ओके, चलते हैं अभी के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद रिएक्शन। बाय बाय।